पड़ेगी राम रहीम की मुश्किलें, डेरा प्रेमी सुभाष चंद्र और कुलवत सिंह बने सरकारी गवाह। भले ही राम रहीम ने अपना वकील बदलकर तलवार दंपत्ति को आरुषि हेमराज मर्डर मामले में बरी करवाने वाले वकील तनवीर अहमद को नियुक्त किया हो, लेकिन राम रहीम के लिए अब भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 25 अगस्त को कुर्मीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में भड़के दंगों के मामले में गुरमीत राम रहीम के नज़दीकी दो डेरा प्रेमी सरकारी गवाह बने हैं। इन्होंने अदालत में दंगे की साजिश के बारे में बयान दिया है। डेरा प्रेमी सुभाष चंद्र और कुलवत सिंह ने सरकारी गवाह बनकर अदालत में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाया है, जिसमें इन्होंने बताया कि दंगों की साजिश में गुरमीत राम रहीम शामिल था और राम रहीम ने ही आदित्य इंसा, राकेश उर्फ गुरलीन, हनीप्रीत, गोभीराम आदि को दंगों के दिशा निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि वकील मोहिंदर मुजोसी ने भी राम रहीम पर दंगों की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। मोहिंदर ने पंचकूला दंगों के मामले में जांच कर रही SIT द्वारा कोर्ट में दाखिल 1200 पत्रों की चार्जशीट में राम रहीम का नाम भी शामिल करने के हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। बता दें कि पंचकूला दंगों में SIT द्वारा तैयार की गई चार्जशीट में राम रहीम का नाम नहीं शामिल किया गया था। हालांकि इसमें राम रहीम के राजदार हनीप्रीत, आदित्य, इंसान, बान्ने नजदीकी डेरा प्रेमियों का नाम शामिल था।